हाय फ्रेंड्स, अगर आप अपने मोबाइल को एज ए वेबकैम, एज ए सेकेंडरी कैमरा या फिर एज ए इमरजेंसी कैमरा अगर अपने लैपटॉप पीसी वगैरह में इस टाइप से रख करके यूज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स चलिए हम इसकी प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमें करनी है यहाँ पर कुछ इंस्टॉलेशन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन में और यहाँ पर हम अपना ऐप प्ले स्टोर जो की है यहाँ पे ओपन यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स हम टाइप कर देते हैं ड्रॉइड कैम और इस पर हम टैप कर। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे करेंगे तो देखिए यहाँ पे ड्रॉइड कैम की एप्लीकेशन है, वेब कैमरा एप्लीकेशन ये आ जाती है। इसको हमें यहाँ पे डाउनलोड करके यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। अब हम इसी मोबाइल्स का यहाँ पे जो है हॉटस्पॉट है उसको हम यहाँ पे ऑन कर देंगे और हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद फ्रेंड्स हम अपने जाएंगे लैपटॉप के जो कि हमारा वाईफाई होगा उसमें फ्रेंड्स जो अपना मोबाइल का जो हॉटस्पॉट है उससे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे ब्राउजर अपना ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे फ्रेंड्स गूगल सर्च कर लेंगे और फ्रेंड्स इसमें सर्च हम करेंगे ड्रॉइड ऐप फॉर पीसी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक हमारे पे एक लिंक आया है विंडोज DEV47 एप्स करके। तो ये वेबसाइट पर हम जाएंगे और जैसे ही फ्रेंड्स हम इस पर जाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक यहाँ पे ड्रॉइड कैम क्लाइंट करके आता है एप्लीकेशन, इसको हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये जो होगा हमारा सेव करने का ऑप्शन पूछेगा तो हम इसको कहीं भी सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आता है इस पर हम क्लिक करने के बाद इसको इंस्टॉलेशन कर देते हैं इसका। उसके बाद फ्रेंड फ्रीज कर दिया हमने इसको। अब फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन यहाँ इंस्टॉल हो गई है और डेस्कटॉप पर देख रहे हैं यहाँ पे आ चुका है। तो मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं तरीके अलग अलग हैं, आप वाईफाई के थ्रू भी कर सकते हैं, केबल के थ्रू भी कर सकते हैं और यहाँ पर वाईफाई सर्वर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे वाईफाई के थ्रू करते हैं बिकॉज हमें यहाँ पे जो कैमरा अपना जो मोबाइल है उसको एज अ वाईफाई यहाँ पे वेबकैम बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे हम जाते हैं अपने मोबाइल पर और एप्लीकेशन जो हमारी है यहाँ पर एंड्रॉइड कैम की एप्लीकेशन इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स देखिए ऑटोमेटिकली आईपी जनरेट यहाँ पे कर देता है और इस आईपी को भी हमें यहाँ पर एज इट इज यहाँ पे डालना है। तो आप देख रहे हैं 192.168.4.3.1 और 4747 इसका पोर्ट हो गया। तो अभी हमें सिर्फ खाली वीडियो यहाँ पे करनी है तो वीडियो पे टिक कर रहे हैं और वीडियो पे टिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे क्लिक करें। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर जो है मेरी इसका जो बैक कैमरा है इसने इसको यहाँ पर बैक कैम जो कि ले लिया है आप देख रहे हैं यहाँ पर और मैंने इसको यहाँ पर इस टाइप से लगा दिया आप देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी है इसकी पिक्चर क्वालिटी है बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आ रही है और पहले वाले कैमरे उससे बेटर यहाँ पे क्वालिटी यहाँ फील हो रही है। अगर आपको जूम पर इसको आपको यूज करना है तो सिंपली आपको जूम एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन करनी है। तो अभी मैं यहाँ पे एक साइन इन कर लेता हूँ जो कि मैं अपनी ईमेल आईडी के थ्रू जो मैंने है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लॉग इन कर लिया है और देखिए अब मैं यहाँ पे न्यू मीटिंग यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मेरा कैमरा यहाँ पे सिलेक्टेड है वो मेरा यहाँ पर जो कि वेबकैम वाला कैमरा सिलेक्टेड है। अभी मेरे को चेंज करना है कैमरा तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ड्रॉइड कैम 3 और ड्रॉइड कैम 2 यहाँ पे सोर्स आ रहा है तो उसमें से किसी एक पे मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। और देखिए फ्रेंड जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मेरा ये जो वेबकैम है वो इसके थ्रू यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्लैरिटी यहाँ पर दे रहा है ये। तो फ्रेंड इस टाइप से आप अपने मोबाइल्स को एज ए वेबकैम आप यूज कर सकते हैं, एज ए सेकेंडरी कैमरा यूज कर सकते हैं, एज ए इमरजेंसी कैमरा आप यूज कर सकते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स बाय बाय।